नमस्कार, घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि एक महागठबंधन बनाया जाएगा, 27 अगस्त को लालू प्रसाद यादव एक महारैली भी कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि वो मायावती और अखिलेश को एक साथ लाएंगे, राष्ट्रपति चुनाव से ही उसके बारे में चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का विकेट गिरा, जैसे ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा और वो बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई, एक बार फिर से महागठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में लगातार विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो अपनी पार्टियों को छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जब ये विपक्षी पार्टियां अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पा रही हैं तो अपने साथ तमाम दलों को कैसे लेकर के आएंगी, इन तमाम सवालों पे हम बातचीत करेंगे अगले एक घंटे तक विस्तारपूर्वक कि 2019 को लेकर विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है। विपक्ष से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष में है उससे भी हम बातचीत करेंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। लेकिन आज जो कुछ एक बयान आए हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी से निकले मुक्कल नवाब की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो जरा सुन लेते हैं। उसकी जब इज्जत नहीं की गई तो फिर अब इज्जत किसकी की जाएगी। हम लोग तो कहीं पे गिनती में नहीं आते, हम लोग तो कहीं देखते नहीं है। बीजेपी अच्छे काम कर रही है, मोदी जी ने भी अच्छा एक सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा दिया है, तो हमें लगता है कि सभी ऑप्शन हैं। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और योगी जी भी जो है उन्हीं ने भी जो अभी काम कर रहे हैं वो अच्छे ही काम कर रहे हैं। तो मुक्कल नवाब कह रहे हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा समाजवादी पार्टी, अब सपा बोलने में अच्छा नहीं लगता, ये समाजवादी अखाड़ा पार्टी हो गई है। क्या कुछ रणनीति है इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कांग्रेस की ही प्रतिक्रिया ले ली जाए, उसके बाद हमारे जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका विश्लेषण और उसके बाद जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी टिप्पणी ली जाएगी। अजय जी, मैं चाहूंगा पहला कमेंट आप थोड़ा संक्षेप में बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो तमाम दलों को लेकर के एक बड़ा जो है गठबंधन बनाने की सोच रही थी 2019 के लिए नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए, लेकिन आपके यहां जिस तरीके से आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको अपनी पार्टी के विधायकों को बेंगलोर भेजना पड़ रहा है कहीं वो टूट ना जाए, ऐसे में आप बाकी दलों को क्या साथ लेंगे और कैसे लोगों में ये विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में है। आज इस देश में जिस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में विपक्षी एकता को और विपक्ष के लोगों को खरीदने का प्रयास चल रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि तोड़ने का। जो कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है इन लोगों के द्वारा कि 60 साल से वो भ्रष्टाचार की पार्टी मानी जाती है जैसा इनका कहना है, तो क्या आज वही कांग्रेस के लोग बहुत ईमानदार हो गए हैं जिनको ये आप खरीद रहे हैं? पहली बात है। दूसरी आप बात कह रहे हैं आपकी पार्टी में बिकाऊ लोग ज्यादा हैं, जिस बिकाऊ पार्टी मैंने आप खरीदने वाले हैं। आ रहा हूं जो राम सागर जी, मैं आपके पास आखिरी में आऊंगा, आप बोलेंगे नहीं तो आपको भी आज बोलने नहीं देंगे। राम सागर जी आखिरी में आपके पास आऊंगा, सवाल मुझे करने पे हमें बोलने प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिकाऊ हमारे लोग हो गए हैं, खरीदने वाले अमित शाह जी के पास निश्चित में पैसा हो गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में उनके पैसे जो है, उनकी जो संपत्ति है वो 300% बढ़ी है। आज ही उन्होंने जो एफिडेविट 2 दिन पहले दिया, 300% रुपए बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पे भाजपा के पास पैसा है, वो लोगों को खरीद रही है, सपा को खरीद रही है, कांग्रेस को खरीद रही है, बसपा को खरीद रही है। अभी आज बसपा के भी एक एमएलए टूटे हैं यूपी में, और इसी तरह बिहार में भी जो जिस तरह से षड्यंत्र और जिस तरह से खेल हुआ वो खेल भी कहीं ना कहीं ये धोतक है इस देश में कि किस तरह से विदेश विपक्षी एकता को एक टारगेट करके षड्यंत्र के तहत तोता का उपयोग करके, जो तोता सीबीआई आईटी और ईडी है, सबका प्रयोग करके इस तरह से साम दाम दंड भेद राजनीति में स्तर और राजनीतिक नैतिकता अब इतनी राजनीतिक मूल्य इतने नीचे स्तर पर आ चुका है इस देश में, प्रजातांत्रिक मूल्यों का इस तरह से लगातार चीरहरण करने का प्रयास हो रहा है। सवाल है आपसे, ये एक अपने आप में अनोखा है, ये देश के लिए एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सवाल ये है आपसे, बाकी लोगों के पास जाऊं उसके पहले मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह है कि जो पार्टी इतनी पुरानी है, जिसकी विचारधारा इतनी पुरानी है,
उसकी पार्टी के मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया, जिनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे लोग जो बड़ी जिम्मेदार पदों पर रहे, कोई महिला आयोग का अध्यक्ष रहा, ये तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की विचारधारा अपना रहे हैं। क्या ये सबके सब बिकाऊ थे? जो जिस तरीके से विजय बहुगुणा समेत तमाम लोग जो है हमने देखा कि बीजेपी में आ गए, उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में आ गई, दिल्ली के अंदर महिला आयोग की अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दिया, और सब लोगों ने सवालिया निशान राहुल गांधी सोनिया गांधी पर लगाया। ये बताइए, जो लोग जैसे रीता जी अभी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, रीता जी को लालच दिया गया होगा, वो आते ही भाजपा के संघ के इतने बड़े प्रचारक हो गई हो, संघ के आइडियोलॉजी के इतने बड़े वो समर्थक हो गई कि उनको मिनिस्टर बना दिया गया। उसी तरह विजय बहुगुणा, आप उत्तराखंड की राजनीति देखा किस तरह से 12 लोगों को सतपाल महाजन के नेतृत्व महाराज के नेतृत्व में तोड़ने का प्रयास हुआ। आप ही कर आपकी पार्टी में आप उसने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, जब शर्म, जब पैसे का खेल हो, आपके यहां बिकाऊ ज्यादा, शक्ति का खेल हो, लोग बिकाऊ ज्यादा, जब राजनीति में विचारधारा का किसी न किसी रूप में गिरता स्तर दिखे, और इसके लिए नैतिक चरित्र सत्ता पक्ष का भी होना चाहिए। जब राजनीति में आपको ईश्वर मौका देता है तो उस मौके का सदुपयोग होना चाहिए, न कि एक दूसरे के साथ तोड़फोड़ की राजनीति पावर के पर लिए। जो बिक रहे हैं उनका भी नैतिक चरित्र नहीं होगा ना। सत्ता का आगे बढ़ते हैं। साधन है ये, राजनीतिक साधन है सेवा का, राजनीतिक साधन नहीं है मेवा का। दूसरे राउंड आता है, मेवा की राजनीति में निश्चित तौर पे जा रहे हैं, लेकिन मेवा देने वाले भी हैं। चलिए ठीक है, कौन दे रहा है ये सर्वविदित है, सर्व सभी को पता है, विचार नहीं है, समझ रहा है इस बात को। इसका मतलब मेवा नहीं चलेगा। बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं उनकी विचारधारा ज्यादा मजबूत है। अवधेश जी आपसे मेरा सवाल यह है कि अभी से लोग अपने विधायकों को लेकर के जो प्लेन में बिठा करके बंगलूर भेज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए, ऐसे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक बड़ा गठबंधन तैयार करेगी? आज भी लालू यादव बोल रहे थे कि हम जो है मायावती के साथ 27 तारीख को और अखिलेश को और सबको बुलाएंगे। ये अपने विधायक नहीं बचा पा रहे हैं, दूसरे दलों को कैसे रोकेंगे? लालू यादव जो कुछ कह रहे हैं ये तो उनकी व्यवस्था है ना। अगर नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करेंगे अब तो उनको उसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी विरोध करना पड़ रहा था। उनकी पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है, इसलिए वो तो करेंगे ही। इस समय विपक्ष के सामने जो अनेक पार्टी है उसमें कांग्रेस सहित, उसके सामने अपने अस्तित्व बचाने का संकट पैदा हो गया है। अब तो वो हर विपक्ष का नेता डरेगा, जहां की भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह का किस राज्य में दौरा होना होगा, क्योंकि वो गुजरात में गए और दो दिन में दो तीन तीन छह लोग चले गए, वो उत्तर प्रदेश में गए और तीन हो गए चले गए। इसलिए वो ऐसे किसी राज्य में जाएंगे जहां विपक्ष का की सरकार होगी, वो भयभीत हो जाएगा कि आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये स्थिति पैदा हो गई हुई है। और कांग्रेस के नेता जो कुछ भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश सब कुछ जानता है, देश को मालूम है कि कांग्रेस में नीति नेतृत्व और रणनीति तीनों के स्तर पर कांग्रेस दिशा भ्रम की शिकार है, और उसके कारण कांग्रेस के अंदर एक व्यापक असंतोष है। बड़े नेताओं का संकट यह है कि वह पार्टी छोड़ के जा नहीं सकते हैं, उनको कांग्रेस में ही रहना है, नहीं तो निजी तौर पर वे भी असंतोष है राहुल गांधी को लेके। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य किसी को कहीं नहीं दिखता है। कि अब सवाल है, वे इसीलिए तो उठ रहा है कि अब नीतीश कुमार के रहने से इन लोगों को लगता था कि एक चेहरा हमारे पास है। हालांकि नीतीश कुमार ने कह दिया था कि मैं 2019 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, बावजूद इसके ये लग रहा था कि एक चेहरा है जिसको हम नरेंद्र मोदी के समानांतर रख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी पर हमला भी कर सकता है, इसकी एक ईमानदार छवि है, सरकार चलाने का अनुभव है, तो ये सब थी। अब राहुल गांधी को लेकर के जो तो विपक्ष ये सोच रहा है, भले सामने न कहे विपक्षी एकता के नाम पर, लेकिन विपक्ष के नेताओं से बात करिए तो उनकी यह मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता हो उससे विपक्षी एकता क्या होगी? तो एक तो राहुल गांधी का सवाल है। अब आपको दो नेता मान लीजिए, अब इसके बाद विपक्ष में किसका चेहरा है जो नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़ा करेंगे? केवल पार्टी टूटने का ही सवाल नहीं है, एक 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 चेहरा ममता बनर्जी का बचता है। मान लीजिए सबसे ज्यादा अभी आक्रामक वही है, लालू यादव के से भी ज्यादा मैं इसका समझता हूं। वो बीजेपी क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त से शुरू कर रही है भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर, लेकिन क्या ममता बनर्जी को सभी पार्टियां नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर लेंगी? क्या देखिए नरेंद्र मोदी के विरोध करना एक बात है, लेकिन किसी का नेतृत्व स्वीकार करना अलग बात है। इसलिए विपक्ष के सामने सबसे बड़ा संकट एक चेहरे का भी इसकी समय हो गया है,
और यही संकट है कि पार्टियों में हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं भड़का लग जाना। भड़का का मतलब होता है कि एक टूटा तो देख के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भागने लगता है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में गुजरात ही नहीं अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की टूट होगी। हालांकि सिद्धांत के आधार पर देखें तो राजनीति के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक संकेत है कि लंबे समय तक एक पार्टी में रहने वाला व्यक्ति और अचानक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसका सिद्धांत उस पार्टी का सिद्धांत है, क्या वो मानेगा नहीं मानेगा, उसकी विचारधारा है। तो इस ढंग से पाला बदल भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन ये हो रहा है पार्टियों की अपनी कमजोरी के कारण। और उसके लिए आप दूसरे को दोष देते हैं, अंदर झांकिए, भीगी बिल्ली क्या है, वो खंभा नोचने से आपके समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। अब अमित शाह का यह ध्यान रखिए कि कहीं अमित शाह का दौरा हिमाचल प्रदेश तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर हुआ तो वहां कांग्रेस में भयानक टूट होकर के लोग आ सकते हैं। तो ये भी कांग्रेस को आगे ध्यान रखना है, कहीं अमित शाह का दौरा दुर्भाग्य से इस समय अगर कर्नाटक में हो गया, अब थोड़ी देर बाद ये मत कहिएगा कि पाकिस्तान भी हो सकता है, वहां भी चलने वाला है, पाकिस्तान के भी लोग उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। इसलिए विपक्ष को तो अब अपना कांग्रेस को सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए बैठ के नेताओं के साथ कि हम में क्या कमी है कि हमारे शंकर सिंह बाघेला को तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, तो बीजेपी के साथ जा नहीं रहे हैं लेकिन कांग्रेस का विद्रोह करके और खड़ा हो गया, अलग हट गया वो आदमी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक से एक लोग जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, केवल ये आरोप लगा देने से कि बीजेपी खरीदने के लिए तैयार है। मान लिया आपकी पूरी पार्टी को ही खरीद ले तो कहां रहेंगे आप, तो बिकने वाले ये इसके लिए भी आपको बना के रखना पड़ेगा कि कोई खरीदने के लिए तैयार हो तब भी हमारी पार्टी से कोई बिके नहीं, ये स्थिति क्यों पैदा नहीं हुई। चले बाकी के दो वरिष्ठ पत्रकारों से बात करें, उससे पहले जरा राम सागर जी से पूछ लेते हैं, जो उपेंद्र जो अधीश जी ने अभी कहा दहशत का माहौल है अमित शाह को लेकर के, वो कह रहे हैं कि अब लोग डर रहे हैं कि अब अगला नंबर किस राज्य में होगा, अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दो प्रमुख राज्य हैं, क्या वहां पर भी जाकर के अब जो है बाकी दलों से लोग अब इस्तीफा देना शुरू करेंगे, ये वजह क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है 10-10 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। विपुल जी ऐसा है जी कि जो भी राजनीति करता है या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करता है वो जनता की नब्ज को पहचानता है कि जनता चाह क्या रही है। तो अभी देश की जनता मोदी के पीछे भागी जा रही है, इसलिए इन लोगों को मजबूरी हो जाता है कि देश की जनता जिधर जा रही है, जो मतदाता जिधर जा रहे हैं उस तरफ वो लोग भागते हैं, इसलिए आज बीजेपी के तरफ लोग आ रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी नहीं 11 करोड़ से और ज्यादा, अभी तो आप 12 करोड़ के आसपास होने जा रही है के संख्या वाला ये पार्टी हो गया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो ये पॉपुलैरिटी आप लोग तो जैसे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बीजेपी की शपथ साथ में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बीजेपी की शपथ दिलवाएंगे क्या आप लोग, जिस तरीके से आप नंबर्स गिनाते आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं नंबर आपके, तो आप एक एक करके इस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी शामिल कर लीजिए फिर। नहीं, हम लोग उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे, उधर जो लोग भी हैं वो बेल वाले लोग एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मायावती जी हो, सारे लोग आरोपी भ्रष्टाचारी एक जगह आ रहे हैं। आप जहां भी देखेंगे, चाहे जिसकी चर्चा अभी ममता बनर्जी का किया गया, उनका भी गर्दन आगे फंसने जा रहा है। देश में दो क्या अलावा सारे देश के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी ही सबसे सत्यवादी हैं, बाकी सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए रही हैं पूरा देश, सांसद फंस चुके हैं घोटाले में, 3 सांसदों पर और शिकंजा कसने जा रहा है। एक आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है राम सागर जी, एक आरोप जो लग रहा है कि आपको बाकी दलों में तमाम लोग भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, तुरंत सीबीआई भी एक्टिव होती है, ईडी भी एक्टिव होती है, भाजपा में आते लेकिन, लेकिन व्यापम को लेकर या बाकी चीजों को लेकर के या बीजेपी शासित राज्यों में वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई देती है। नहीं, मैं व्यापम के बारे में फिर भी विपुल जी कहना चाहता हूं कि व्यापम का जो किंग पिंग था उसकी नियुक्ति दिग्विजय सिंह ने किया था, आप उसको वेरीफाई करवा लेंगे। चलिए, मतलब आपके आपके जहां जहां राज्य है वहां कुछ नहीं हो रहा, बाकी सांसद और मुख्यमंत्री लोग फंस रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। उपेंद्र जी आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अब विपक्ष की एकता को लेकर के, अब सिंगल लार्जेस्ट कोई विपक्ष होगा अकेले दम पे, कांग्रेस जैसा वैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन तमाम दलों को अगर साथ लिया जाए ऐसी स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस की असली समस्या ये नहीं है या विपक्ष की ये समस्या नहीं है कि उसके लोग भाग रहे हैं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो डिसाइड
वोटर ही करेंगे, जनता करेगी, उसकी असली समस्या उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है और उसकी अपनी विश्वसनीयता नहीं है। अभी जो इशू जो है देश के सामने मुख्य इशू है, तो उस इशू पर जो उसकी अपनी राय है, क्या वह जनता की भी राय है या नहीं है, तो ये समस्या है। बाकी तो आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोगों को लोगों ने राजनीति में आगे बढ़ाया है जिनका कोई कमिटमेंट नहीं होता, न राजनीति से कमिटमेंट होता है, न विचार से कमिटमेंट होता है, न विचारधारा से कमिटमेंट होता है, न पार्टी से कमिटमेंट होता है, न देश से कमिटमेंट होता है। उसमें पैसे लेकर के लोगों को टिकट दे दिया जाता है या दूसरे से कारण जो नॉन मॉनेटरी कारण है वो होते हैं लोगों को लाने के। खास करके इसमें कांग्रेस ने सबसे आगे इस तरह का काम किया। गमलों में जो जन्मे पैदा हुए जो नेता लोग हैं, हवाई नेता जो हैं, स्काई से जो उतरे हैं, वैसे लोगों की भरमार है कांग्रेस में। भरे पड़े लोग हैं, एक दो नहीं। ये तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे उतना ले आए। ये सब आप कहिए कि पानी में तड़पती ही मछलियां हैं कि जो निकलना चाह रही है दूसरे तालाब में जाना चाह रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में निर्भर करता है कि कितनी मछलियों को अपनी अपनी तरफ ले आए। ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आने वाली समस्या वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो पुराना जो प्रॉब्लम थी कांग्रेस की और उसके अलावा दूसरी पार्टियों की भी। सर पार्टियां, मैंने तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि पार्टी सिस्टम ही कोलैप्स कर गई है इंडिया में। ये जो पार्टी सिस्टम है वो टेक्निकली एग्जिस्ट कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, अदरवाइज तो पूरा एकदम खुले आम है, आया राम गया राम। आप हैं किस पार्टी में, चुनाव किस पार्टी से लड़ रहे हैं। इसे एक उदाहरण है अंबिका चौधरी, ये MLC है समाजवादी पार्टी के जी, और ये BSP के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब आप विधान परिषद में MLC है समाजवादी पार्टी के और चुनाव लड़ रहे हैं BSP से लड़के हार गए, तो कायदे से एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत इनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभी भी सदस्य बने हुए हैं। मालूम हुआ कि ये भी भारतीय जनता पार्टी को ऑब्लाइज करने के लिए अपना पद खाली करने वाले हैं, या शायद हो सकता है उनको लग रहा होगा कि चेयरमैन हमें नोटिस जारी करके कह देगा भाई आप तो समाजवादी पार्टी छोड़ चुके थे, BSP से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप सदस्य कैसे बने हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो ये हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है विपक्ष के लिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है जनता के सामने, बल्कि ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब होती होगी। भले इनको लगता होगा कि हम राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जिता दें गुजरात में, वो शंकर सिंह बघेला के रिश्तेदार हैं, उनके उनके बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनको जिताने के लिए सब किया जा रहा है। इससे भले जिता दें लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जिनको भारतीय जनता पार्टी ले रही है ये मौसम बदलने पर दूसरी तरफ जा बदल जाएगी। ये भी जब देखेंगे कि दूसरा तालाब में अच्छा कुछ पानी है, उसमें खाने के लिए कुछ ज्यादा चारा पड़ा हुआ है दूसरे तालाब में, तो पुराने तालाब को छोड़ करके फिर नए तालाब में आएंगे। ये है जो बहुत दर्दनाक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। ये हमारे लोकतंत्र पर बहुत ही गंभीर टिप्पणी है और ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो समय है लोकतंत्र का कोई बहुत अच्छा नहीं बीत रहा, बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तो ये कोई नहीं लगता है कि विपक्ष के लिए कुछ है, ये पूरे हम लोगों के लिए चिंता का कारण है। ठीक पुष्पेन जी, अब दो बातें निकल के आई। एक बात तो जिसका जिक्र अधीश जी ने किया कि कोई चेहरा ही नहीं है ऐसा कि जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हो सके। एक ममता बनर्जी का नाम उन्होंने लिया। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि इशू जो है कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठ पाया कि जिस पर तमाम विपक्ष की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कई कोई नोटबंदी का मुद्दा उठा देता है, कोई सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा देता है, और ये कार्ड जो सांप्रदायिकता था वो चुनाव दर चुनाव पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कौन से क्या आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा, कौन सा चेहरा हो सकता है जिस पर तमाम विपक्ष एक साथ आ सकते हैं? आपको लगता है कि अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं, सबकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि कई लोगों को एक साथ लेकर के तमाम दल सामने कोई विकल्प 2019 में रख सकें नरेंद्र मोदी के सामने? विपुल, इसमें दो तीन बातें हैं जी। कभी कभी आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पड़ोसी को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये एक लंबे समय से परंपरा चल रही है। तमाम सारी बात उपेंद्र जी ने कहा लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, वो एक लार्जर क्वेश्चन है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी एक फूल दो माली हुआ करती थी और उनके ऊपर जो आरोप लगते थे या उनके मध्य मुकाबिल बहुत सारी बातें उनके बारे में कहते थे, वो करते करते वहां से यहां पहुंची और भारतीय जनता पार्टी का 2014 में एक नया, जिसे कह सकते हैं, नया अवतार हुआ। और उस भारतीय जनता पार्टी के अवतार ने जो पिछले कई सालों से एक रटी रटाई पॉलिटिक्स चल रही थी कि ये मुद्दा हिंदू का है, ये राम मंदिर का है, ये 370 का है, इसके आगे हमारे पास क्या है देने के लिए, उसी तरीके से अपोजिशन की समस्या ये है कि एक लंबे समय से वही राजनीति सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म। तो इस देश में नेता सभी लोग
कांग्रेस की ही कोख से पैदा हुए हैं। चाहे आप मुरारजी देसाई को देख लें, वीपी सिंह को देख लें, गुजराल को देख लें, चंचल, सब वहीं से पैदा हुए हैं ना। तो आज आप भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिकता, देश टूट जाएगा, देश में बंटवारा, मुसलमान, ये तमाम सारी बातें इतनी घिस चुकी हैं इस देश में कि चंद्रशेखर कमनल नहीं थे, वीपी सिंह कमनल नहीं थे, मुरारजी कमनल नहीं थे, ये क्यों बाहर आए, कांग्रेस से निकल के बाहर क्यों आए, और क्यों कांग्रेस से जब ये निकल के बाहर आए तो देश के प्रधानमंत्री तक बन गए, और कांग्रेस में रहते हुए इनका नंबर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक तरीके से पूरी पार्टी एक परिवार तक सिमटी रही, परिवार से बाहर जाने वाले को उम्मीद नहीं करते। जितनी बात चिंता राजीव गांधी की हत्या पे होती है, इंदिरा गांधी की हत्या पे होती है, उतनी चिंता लाल बहादुर शास्त्री की हत्या पे नहीं होती है, उतनी चिंता इस बात पे नहीं होती है कि इसी कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था, क्योंकि वो परिवार का नहीं था, उसको वो कद नहीं मिला, उसको वो वैल्यू नहीं मिली, उसका वो तमाम उसका महिमा मंडित नहीं हुआ जितना औरों का हुआ है। तो आज भी कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों की बात में इसलिए नहीं कह रहा कि वो तमाम सारे जो छोटे छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्टमेंट करते हैं। फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस के साथ भी है, पीडीपी कांग्रेस के साथ भी है, आज बीजेपी के साथ है, इसी तरीके से मायावती का गठबंधन कांग्रेस के साथ भी हुआ और बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार में भी आई। तो मैं ये, और यही बीजेपी बसपा और सपा मिलकर एक साथ चुनाव लड़े, तो चलिए मैं उनको तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय दल जो है वो इस बात पे चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं है कि गलती कहां हो रही है, चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। ये जो समस्या है, आप कहिए कि साहब मोदी आ गया है, वो खरीद रहा है, इस देश में खरीदो फरोख्त कब नहीं हुई, इस देश की राजनीतिक संस्कृति किसने पैदा की है, 70 साल में तमाम वो दलों ने उसी संस्कृति को फॉलो किया जो कांग्रेस ने दी है, क्योंकि उन्हीं के पास सत्ता थी। ये तमाम आया राम गया राम, इसको खरीदो उसको मत दो, आपने गुलदस्ता दे दिया, चौधरी चरण सिंह पार्लियामेंट पहुंचने से पहले ही गिर गया, दो ठुल्लों के चक्कर में आपने सरकार गिरा दी, ये तमाम सारी चीजें देश ने देखी है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है ना, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो क्या हो रहा था। तो इसी के चलते आप देखें, कांग्रेस पार्टी बंगाल से एक लंबे समय से गायब हो गई, तमिलनाडु से गायब हो गई, उड़ीसा से गायब हो गई, फिर हिंदी प्रदेशों से गायब होना शुरू हुई। तो ये उस राजनीति का है कि जो भी आपका क्षेत्रीय दल मजबूत हो, जो नेता मजबूत हो, उसको कमजोर कर दो और केंद्र के इशारे पे नाचने वाले को रखो। तो जो लोग निकल गए वो मजबूत हुए। तो आज राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अब आप देखिए कि मनमोहन सिंह के ऊपर कोर्ट एक नोटिस जारी करता है, आप उस पर डांडी मार्च निकाल देते हैं कि आप देखिए ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, यार कोर्ट का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है। तो आप सही बीमारी नहीं ढूंढेंगे, आपको कैंसर है, आप सर के दर्द की इलाज कर रहे हैं, आप पैर के दर्द की इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप असल बात पे नहीं आ रहे। तो जो लार्जर इंटरेस्ट में जो उपेन जी कह रहे हैं, जो जी कह रहे हैं वो ठीक है कि देश को नुकसान हो रहा है, लेकिन भाई इस देश में जो लोगों को इलाज करना है जब वो तैयार नहीं है तो जनता को जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब देखिए वो जो खरीद रहे हैं अमित शाह, आज अमित शाह क्यों इतने मजबूत हैं, आपने खुला मैदान दिया है ना, इसलिए भाई आज अमित शाह जो है, आप क्या इससे पहले आप बताएं रीता बहुगुणा को खरीदा था या जगदंबा पाल को खरीदा था, मुरारजी देसाई को खरीदा, तो आपने लोगों को ऐसे हालात कर दिए कि आप तो जीते हुए इलेक्शन हार रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने रोका था गोवा में जब आप जीत गए थे और आप सरकार बना सकते थे, तो भाई आप 24 घंटे कहां थे, तो गोवा में तो आपने जीती हुई बाजी हारी, मणिपुर में जीती हुई बाजी हारी, तो अब ये कहेंगे पैसे देके खरीदते, तो भाई पैसे देके खरीदने की संस्कृति तो आप ही ने शुरू की है। आज आपको पलटवार हो रहा है तो आपको आज बुरा लग रहा है, आप मूल परंपराओं और तमाम बड़े बड़े शब्दों से नवाज रहे हैं, लेकिन इस देश ने मोस्टली इस देश की राजनीति को तो आप ही ने जो कुछ दिया है उसी का दूसरा प्रतिकार हो रहा है, और इसीलिए अमित शाह और मोदी की आज जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है वही जो आप करते थे वही वो कर रहे हैं। अजय जी सबसे बड़ा सवाल ये है, जी आ रहा हूँ सर, अजय जी कुछ कहना चाह रहा हूँ, बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, अगर ये कांग्रेस पहले से काम कर दी गई दिया होता जी, जैसे शौचालय बनवाने का काम, देश के अंदर गरीबों के घर में शौचालय बन गया, नहीं आप भी शौचालय पे नहीं जीते, नहीं आप शौचालय में नहीं जीते, घर बनाने का राम सागर जी, हमने शौचालय, अरे भाई आप शौचालय बनाने के लिए नहीं आए थे, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप शौचालय बनाने आएंगे, राम सागर जी आए, राम सागर
आप ये आप जो आप पब्लिक रिलेशन टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप शौचालय बनाएंगे, आपके आपके मैनिफेस्टो पहले अब सुन लीजिए काम की होती। अरे भाई अब ये आप कहाँ फंसे हुए हैं, सुलभ शौचालय का सुलभ शौचालय का जनदाता बिंदेश्वर पाठक है, उनको तो देश का प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए शौचालय पर अगर नेता बन गया तो। चीजों के विषय में हम कह रहे हैं आप भी गलत फहमी में मत रहिए कि आपको जो है ना चिंता भाई आपको हमने आपके पास टूट टूट के जो लोग जा रहे हैं शौचालय बनने के कारण गैस मिलने के कारण नहीं जा रहे हैं। मतदाता हमारे साथ कांग्रेस के जहाज में छेद में हो गया है, उसमें पानी घुस गया, आ रहे कल आपके जहाज में छेद हो गया जो अम्बेडकर जी कह रहे थे, तो आपके ऐसे भी वो सही भागेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो विचारधारा वाली पार्टी है आपको खुद के लिए तो इस समय चिंता का विषय है, लेकिन आपके लिए भविष्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जब आप अपने विचारधारा पर काम करना शुरू करेंगे जो आपकी जिम्मेदारी है, तब ये सब लोग जो आ रहे हैं वो कहां जाएंगे, आपको करने ही नहीं देंगे। राम सागर जी नहीं दीनदयाल जी का विचार अजय जी अजय जी को सुन लेते राम सागर जी राम सागर जी दीनदयाल जी पर बात करेंगे तो समस्या आज का विषय वो नहीं है राम सागर जी आज का विषय वो नहीं है। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सरकारी विज्ञप्ति मत पढ़िए, सुन लीजिए आप सुन लीजिए। अरे भाई हमसे आपको हमको आपसे नहीं सुनना है, हमारी बात जनता हमारे तरफ है, आप सुन लीजिए ना। हाँ बताइए, आपको ये लग रहा है कि आपने बड़ा महान विचार दिया है और शौचालय बनवाना, आपके मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप शौचालय बनाएंगे, 370 कहां गया जो आपका आपका गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़ो के कहता है उस पर हाथ नहीं लगाया जाएगा, आप 70 साल से किसको बेवकूफ बना रहे थे। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सुन लीजिए पहले मेरी बात को। जवाब नहीं चाहिए मुझे, जवाब भी नहीं चाहिए। आपके पेज नंबर पहले पे लिखते थे नंबर 35 पे आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आपकी क्या राय, तो आप कहते हैं कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे, तो 70 साल से विचार करे हुए आप देश को गुमराह कर रहे थे। अब कहते हैं हमने शौचालय बना दिया, हमने स्वास्थ्य दिया, तो क्या एम्स आपने बनाया था, इसरो आपने बनाया था, रेल आपने बनाई थी, हवाई जहाज आपने बनाए थे, कंप्यूटर आप लाए थे, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे देश कल आजाद हुआ है। आप ऐसा मत कहिए, चुनाव जीत गए इसलिए कि कांग्रेस की खामियां थी, कांग्रेस की गलतियां थी, उसका फायदा आपको मिला है। 35 के साथ आप सरकार चला रहे हैं। विपुल जी देखो, मुस्लिम प्रस्त राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, अविकास और विश्व में जो है भारत का थोड़ा सा प्रतिष्ठा का हनन, ये चार ऐसे कारण थे जिसके कारण आपकी ओर लोग आए कि लोगों को लगा अब उत्तर प्रदेश में जो जीते हैं वो हिंदुओं का वोट वन साइडेड होके आपको मिला है। अब आप कहते हैं विकास के लिए जीते हैं, वो शौचालय बनाने से और आपको मुसलमान बच्चों को ध्यान देना है, गैस बांटने से दिया है, हमारे कामों पर भी वोट दिया है। राम सागर जी राम सागर जी एक लाइन राम सागर जी अजय जी को बोलेंगे राम सागर जी से राम सागर जी मुगालते में आप भी चले जाएंगे राम सागर जी राम सागर जी राम सागर जी अजय जी को सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन बोलूंगा जो अभी पुष्पिन जी बोल रहे थे, 35A पर जो है आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं वहां की मुख्यमंत्री कहती है इस पे अगर कोई भी छेड़छाड़ हो गई तो झंडा को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो संविधान के पद पर आपकी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, आपकी प्रभुसत्ता को चुनौती दी है और आपकी पार्टी के हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन पर नहीं जा रहे, उस पर आप क्या करते हैं, गुमराह कर रहे हैं आप देश को। बहुत सारी बातें पुष्पन जी बगैर बताए हुए किया जाता है, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी वहाँ आपकी प्रवक्ता नहीं जा रहे जम्मू कश्मीर, आपके प्रवक्ता हित में पहला बार बहुत तेजी से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ सीक्रेट काम कर रहे हैं, तो सीक्रेट कर रहे हो तो मैनिफेस्टो में नहीं लिखना चाहिए था, कहते हम सीक्रेट कर रहे हैं काम सीक्रेट में किया था, मैंने चले अजय जी बहुत देर से खामोश है। अच्छा जी मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम अखबारों में यहाँ पर भी जो तमाम लोग बैठे हैं वो सब लोग दीवारों पर लिखा हुआ है क्या कांग्रेस की कमियां हैं, एक तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स कि बाप परिवार से बाहर नहीं निकल रहे, तमाम लोग राहुल गांधी की खामियां बताते हैं, लेकिन आप लोग आप भी यहाँ पर बैठे हुए लेकिन आप भी राहुल गांधी बता देता हूँ आप राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे नहीं बहुत बड़े नेता है।
आप करप्शन के मामले को लेकर, आप किस मामले को लेकर घेरेंगे? अगर कम्युनिज्म को छोड़ दिया जाए, आप करप्शन पे घेर नहीं सकते, क्योंकि इन 10 सालों में एक के बाद एक तमाम घोटाले आए। क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे आप घेर नहीं सकते? आपने कहा कम्युनिज्म को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस मेरा सवाल है कि एक इस मुद्दे को लेकर के अलावा कम्युनिज्म के बारे में इतना बड़ा पाखंड खड़ा हो रहा है, वो भी नहीं साबित हो रहा, तब भी लोग नहीं आ रहे। पहलू खान माना जा रहा है, कत्ले आम हो रहा है, ये तमाम, उसके बावजूद भी आपका सेकुलरिज्म खतरे में है। आप साबित नहीं कर पा रहे कि आप सेकुलर हैं। अजय जी, देश में बहुत बड़ा दुखद एक दौर चल रहा है, आप लोग समझिए, सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, हम लोग नहीं, हो सकता है भाजपा के एक दो लोगों को दिक्कत हो ये बात से। जिस तरह से लगातार निरंतर प्रजातंत्र के मौलिक अवधारणा पर, देश की मौलिक संकल्पना पर कुठराघात हो रहा है, आज जिस तरह संवैधानिक संरचना पर प्रहार है, देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती की बात अभी संविधान के 35A पर आप लोग जब बोल रहे थे, एक शब्द नहीं, आप लोग बोलते हैं तो मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ, इसका भी कम से कम ध्यान रखें। महबूबा मुफ्ती आज दिन भर यही चल रहा है हर जगह चैनल में, किस तरह भारत की संप्रभुता पर उसने चैलेंज किया, और वो भारत के सबसे राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मुख्यमंत्री का पद वो सुशोभित कर रही हैं। अभी तक न इस देश में कोई भी राष्ट्रभक्त ऐसे नहीं उभर कर आए भाजपा के, संघ के, प्रधानमंत्री के द्वारा, या देश के किसी भी वैसे राष्ट्रभक्ति भक्त बहुत सारे ऐसे उभर कर आ जाते हैं, वो भक्त कभी एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या आप मानते हैं इस देश में, जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट देना चाहता हूं। DDCA में कृति आजाद भाजपा के ही आज सांसद है, जिन्होंने जेटली, एक मिनट सुनिए आप, बहुत बार हमने बहुत सुना है, बिल्कुल, जेटली जी पर नाम आया, सुषमा स्वराज और विजय राजे सिंधिया पर ललित मोदी को लेकर के पूरी बात आई। नरोत्तम मिश्रा अभी मध्य प्रदेश का सुन लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी अभी मंत्री है, 4 सीट हो गया है, तेजस्वी को आप इस्तीफा देने के नाम पर इतना बड़ा षड्यंत्र किया, नरोत्तम मिश्रा पर आपने अभी तक उसका इस्तीफा तक नहीं लिया। रमन सिंह धान नान एक योजना है जिसमें करोड़ों रुपए का खेल हुआ है, क्यों नहीं उठाते? मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, पूर्ति घोटाले पर गडकरी जी का आज भी नाम है, एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, भ्रष्टाचार नहीं है। एक सेकंड, आज का जो विषय है, आप भ्रष्टाचार हो या तमाम मुद्दे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज का विषय नहीं है, बात यह है आपकी बात लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लोग सिरे से इनकार कर रहे हैं, ये वो पार्टी आरोप लगा रही है जो एक के बाद एक इसके ऊपर आरोप लगा रही है। एक जनमत इस देश में दिया था जनता पार्टी को, 89 में भी बीपी सिंह के नेतृत्व में एक जनमत दिया था इस देश को, कांग्रेस के अगेंस्ट समय समय पर ऐसा नहीं कि जनमत नहीं मिला है, ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप एक के बाद एक सुबह दर सुबह हारते थे, और 2000 में भी अटल जी को जनमत दिया है। देखिए, पक्ष और विपक्ष राजनीति में चलता है, हम इससे कहीं दूर 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 तक हम परेशान नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे अब 2014 से पहले जो भी जनमत देश ने दिया, उस जनमत के एक अलग आधार थे, उसमें कहीं ना कहीं एक सैद्धांतिक पक्ष था, और इस बार भी जब जनमत दिया तो विकास के नाम पे दिया था, धार्मिक कट्टरतावाद के नाम पे नहीं दिया था, झूठी गाय के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों के लिए वो जनमत नहीं था। 2019 में कहां रहेंगे आप? जिस 44 से भी नीचे जाएंगे, वो जनमत नहीं दिया था, 44 से नीचे जाएंगे, 44 से भी नीचे आया है, 44 आया है, हमें स्वीकार रहे हैं, कांग्रेस को यदि कम आया है तो कांग्रेस की गलतियां नहीं है। अजय भाई, कहीं तो सुधार कहां करें? अजय जी के बाद से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। बहुमत में मदमस्त होकर के जिस तरह से सारे हथगंडे इस देश में प्रजातंत्र के मौलिक आधार को तोड़ने, कौन सा मौलिक आधार नहीं दिखाई दे रहा है, सैद्धांतिक चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, वैचारिक आधार को तोड़ा जा रहा है, ये देश समझ रहा है, ये सब जनता, देश की जनता समझती है, समय पर जवाब देती है और देगी जवाब,
ये आप गलतफहमी में ना जिए भाई, ये भाजपा के लोग जो गलतफहमी में जी रहे हैं इस देश में, ये गलतफहमी में ना जिए और भाजपा भी इससे अछूती नहीं रहेगी। आपका वैचारिक आधार यही था कि आपके मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि खजाने पर पहला अधिकार किसका है, यही आपका विचार था। नहीं नहीं, रामशंकर जी, मैं तो अजय भाई से कह रहा हूँ, जितनी बातें इन्होंने कही है, महबूबा की बात कही है, कम से कम आप विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के छद्म जिसे कहना चाहिए सूडो नेशनलिज्म का उजागर करिए ना। क्यों नहीं 35A पे आपकी कोई राय बाहर निकल के आ रही है? क्यों नहीं धारा 370 पे आपकी कोई बाहर निकल के आ रही है? क्यों नहीं ट्रिपल तलाक पे आ रही है? क्यों नहीं सिर्फ यूनिफॉर्म? आप इनको कॉर्नर नहीं करना चाहते? आप क्या कहते हैं साहब, आप JNU चले जाते, मैं कह रहा हूं वहां भी जाइए, लेकिन जिन मुद्दों पर आपको घेरना चाहिए उससे आप भी बचते हैं। और जो बात आप कहने लगते हैं कि राष्ट्र टूट रहा है उससे इनको फायदा होता है, 370 पे आपकी राय क्या है? इनकी राय तो समझ में आ गई कि ये पढ़ा रहे थे पाठ और अब जब सत्ता में आए तो भूल गए, तो आप इनको याद दिलाइए, संसद में दिलाइए, सड़क पे दिलाइए, 35A पे दिलाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ये नहीं घेरते आप, क्योंकि आपको लगता है ये घेरने से तो हमारा वोट बैंक जो थोड़ा बहुत है वो भी टूट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप भी तो हवा हवाई मुद्दों पर इनको घेर रहे हैं। सवाल यह है कि आप कहते हैं वहां पर वो जो झारखंड में हो रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये मुद्दे नहीं नजर आते। ये मैं कह रहा हूं कि जो असल मुद्दे हैं इनके राष्ट्रवाद को आप ओपन क्यों नहीं करते? बाकी क्यों आप 370 बताइए क्या आपकी राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी राय क्या है? ये सवाल है ना। क्यों कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान में हम जो है हाथ नहीं डाले, आप अपने उन मुद्दों को क्यों नहीं छूते? पुष्पेंद्र जी जी, इस देश में सबको रहने का अधिकार। ओहो, रहने से कहां बात आ गई? सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले लोग, मैं कह रहा हूँ देश में 100 झूठ बोल करके इन्होंने झूठ बोला, आप सब बोलिए। हम तो बोल रहे हैं, हमारी विचारधारा 370 पे आपकी राय क्या है? हम जिस राय पर आए थे, आप फिर घुमा रहे हैं। मैं आपको पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, जिस 370 के आधार पर ये आए आज से नहीं, यदि हम 70 साल में 55 साल सरकार इस देश में चलाए हैं तो हमारी विचारधारा थी, जिस विचारधारा पर आप 370 को बनाए रखना चाहते हैं, ये बनाना और नहीं बनाना आप इस देश के और वहाँ के नागरिकों का है। हमारी विचारधारा को ही समर्थन मिला है, उस विचारधारा को समर्थन जनता ने दिया। अभी जो आपने अब तक आप RSS के विचारधारा को लोगों ने समर्थन दिया है देश के अंदर, जी अब तक जो चर्चा हुई है कि किस विचारधारा का विरोध, आपके पास आ रहा हूँ, किस विचारधारा का विरोध करने की विचारधारा है अजय जी, ये हमें नहीं आपको प्यार। अजय जी, अजय जी, एक सेकंड, मैं एक एक करके बोले ताकि दर्शक जो है वो आसानी से समझ सके। अजय जी, अभी तक जो चर्चा हुई और जो अपने अजय जी को सुना, ऐसे आपको स्थिति लग रही है कि वाकई में ये 2019 में कोई बेहतर विकल्प तलाश देने की स्थिति में ये होंगे, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। देखिए, विकल्प देने के लिए आपके पास एक 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 सरकार के समानांतर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए एक ठोस कार्यक्रम हो जो जनता के लिए आकर्षित हो, जनता को रुचिकर लगे, लगे कि हाँ ये एक बेहतर विकल्प विचारधारा के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, एजेंडा के स्तर पर है, और साथ ही साथ एक सर्व स्वीकार नेतृत्व का भी हो जिसका चेहरा हो। ये दो चीजें चाहिए। अजय जी ने इन दोनों में से कोई जवाब नहीं दिया। ये जो कुछ भी कह रहे हैं, ये पहले जो है 1960 के दशक में 70 तक कांग्रेस पर कम्युनिस्ट पार्टियां यही आरोप लगाती थी। धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी एक समय इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी थी, आज वो खत्म हो गई देश से कैसे लग। आज वही भाषा दुर्भाग्य से कांग्रेस जो है बोल रही है कि यहां लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है, तो गो के नाम पर 5-6-7 घटनाएं हुई, गाय गो रक्षा के नाम पर 2 हत्या हुई है, तीसरी तो हत्या भी नहीं हुई कहीं, थोड़ी मार पिटाई हुई है जो गलत है, हम सब लोग उसका विरोध करते हैं, उसको इतना बना बना के कांग्रेस पेश कर रही है कि मेरा तो कहना यह है कि विकल्प तो छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम इतना आसान कर दे रहे हैं अपने वैचारिक बात से, अपने बातों से, कि भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचेगी।
तो अजय जी की जो बातचीत अगर कांग्रेस की सोच यही है और कांग्रेस यही तक सीमित है विचार नरेंद्र मोदी के विरोध करने तक विकल्प देने तक, तो फिर मुझे यह स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व में 2019 तक किसी प्रकार के ठोस विकल्प का जिसकी ओर जनता आकर्षित हो सके, उसको वोट दे सके, नरेंद्र मोदी की सरकार को पराजित कर सके, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। उपेन्द्र जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है। अभी देखिए, दो साल करीब बाकी है, दो साल से भी कम रह गया है चुनाव में, तो आज की स्थिति जो है उससे नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का, नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का कोई स्ट्रांग विकल्प बन सकता है। तो समय अब बहुत कम रह गया है और ये आप नहीं कह सकते हैं कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिसका एकाएक नुकसान हो जाएगा बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस उसका फायदा होगा, वैसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि यह है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो बहुत फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं और कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं रिस्की काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हो जाए। ये सही बात है कि कुछ समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, जैसे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, डिमोनेटाइजेशन से बहुत नुकसान हुआ है, वो नुकसान का खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही है और विपक्ष के नेताओं में समझाने की क्षमता नहीं है। विपक्ष के नेता के पास विपक्षी पार्टियों का जो कर्तव्य है विपक्ष के रूप में, वो अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल हो रही है, वो लोगों को उनकी जो समस्याएं हैं उसके साथ जुड़ने की भी कोशिश नहीं कर रही है। बाकी कहीं कुछ हो गया तो वहां पर राहुल गांधी चले जाते हैं, कहीं कोई किसान आंदोलन कर रहा वहां चले गए, छात्र आंदोलन कर रहा वहां चले गए, कोई जो मकान खरीदा है और उसको कॉलोनाइजर बिल्डर मकान नहीं दे रहा है, वो लोग कहीं 200 लोग इकट्ठे हैं वहां पर राहुल गांधी चले जाते हैं, तो राहुल गांधी का जो अपनी पार्टी का लगता है कोई प्रोग्राम ही नहीं है और जहां कहीं कुछ रिजेंटमेंट है कहीं कुछ है तो वहां पहुंच जाते हैं। तो ये जो एक तरह से दिशाहीनता है, खासकर जो देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप कहिए या देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो वो दिशाहीन है कार्यक्रमों को लेकर। उसका कारण है कि उनका जो नेतृत्व है, शिखर नेतृत्व है, उसको हमें लगता है न देश की राजनीति की समझ है, न देश के समाज की समझ है और न देश की जो आर्थिकी है उसकी भी समझ नहीं है। तो ये हमारी समस्या है, ये देश की भी समस्या है, कांग्रेस की समस्या सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। और ये जो दो व्यक्ति हैं कांग्रेस के जो दो शिखर नेता हैं, वो तीसरे को आने नहीं दे रहे हैं, तो ये समस्या है कि हम तो नेतृत्व कर नहीं पाएंगे और किसी को और नेतृत्व करने नहीं देंगे। फिर देखिए, जो कांग्रेस है आप समझिए कि एक नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है। कांग्रेस ने भले सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को अपने नेता मान लिया हो, लेकिन ये दोनों पार्टी को नेतृत्व देने में विफल हो रहे हैं और अभी नहीं लग रहा है कि कोई ये समझने की कोशिश कर रहे हैं देश को। तो ये अभी हमें नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिसके कारण नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंजर खड़ा हो जाएगा या एकाएक ऐसी कोई बात आ जाएगी जिससे बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और जिसका फायदा उठाने की स्थिति में विपक्ष है। अगर लोकप्रिय होती भी है तो फायदा उठाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए हमें तो भी नहीं लग रहा। उपेंद्र जी ने कहा है कि सोनिया जी और राहुल जी जो है देश में राजनीति और नेतृत्व देने की क्षमता नहीं रखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही सोनिया जी हैं और वाजपेयी जी देश में प्रधानमंत्री होते थे और उस समय लगता था इंडिया साइनिंग कर रही है, लेकिन हुआ क्या, पिछले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और निश्चित तौर पे सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही वो सरकार थी। इसको मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को भूलना चाहिए, इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। ठीक है, आज जब आदमी जब सत्ता में नहीं रहता है तो विश्लेषक और विवेक और आलोचक होते हैं, अच्छी बात है, आलोचना करनी चाहिए, आलोचना में कोई बुराई नहीं, आलोचना करनी चाहिए। 206 भी मिली 2005 में, बस जी भाजपा को वाजपेयी जी को कितनी मिली थी, जरा ये भी याद करा दें आप, वाजपेयी जी को कितनी मिली थी उसी समय सरकार में थे। वो देखिए 2004 में यूपी में बीजेपी 9-10 सीट तक सिमट गई, अभी एसपी का सर कारण बहुत हो सकते हैं, वो कारण आज मैं भी गिना सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यदि 74 सीट आ गई, 73 सीट तो मुजफ्फरपुर के दंगे थे जो इस बार है, बिहार में जो आ गए 34 सीट, ये बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश में जी आपका एनालिसिस जो है सही नहीं है, वो सही नहीं है। इस देश में जो कुछ लोग करते हैं वही एनालिसिस सही है। बहुमत नहीं दे दिया था आपको, इसलिए वो उतनी सीट वाजपेयी जी को बहुमत था क्या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध
बाकी दलों को 55 सीटें इतिहास में सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों को आ गई, उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया। 35 सीटें समाजवादी पार्टी को आ गई, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। 22 सीटें बसपा को आ गई, उन्होंने। और वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो क्या बिना सपोर्ट की बनी थी? वाजपेयी जी को क्या वो पूरी दो पार्टी सिस्टम थी और मनमोहन सिंह के कारण हुई, दो पार्टी का गठबंधन था। ठीक ठीक। और आपको भी पता है कि जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो 27 पार्टियों का गठबंधन था। ऐसा नहीं कि उनको बाहर से समर्थन मिला, वो गठबंधन में आपकी सीटें और कम थी। एसपी बीएसपी के साथ थोड़ा गठबंधन था, पुष्पेंद्र जी, अब अगर देखा जाए तो जो कुछ राज्य जहां पर अभी भी जो है तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये दो राज्य ऐसे हैं, क्या यहाँ से, चूंकि नवीन पटनायक की छवि भी अच्छी है या ममता बनर्जी, इसका जिक्र आप अभी अवधेश जी कर रहे थे कि तेज तरार बोलने वाली हैं, सीधा हमला करती हैं, इनमें से क्या कोई नेतृत्व करने की स्थिति में हो सकता है क्या, अगर कांग्रेस को दरकिनार करके भी हम देखें तो? और इन राज्यों में भी आने वाले समय में चुनाव होंगे, और खैर हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो क्या इन चुनाव के नतीजे भी कुछ दिशा देंगे 2019 के लिए? देखिए, हिमाचल एक बहुत छोटा राज्य, हाँ, वहाँ से तो नहीं, और कांग्रेस बहुत वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण, पश्चिम बंगाल और अगर हम उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होगा तो वहाँ से पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव दूर हैं। हाँ। लेकिन पैसे बांटने की बात, खरीदने की बात जो अभी मेरे भाई कह रहे थे, इस देश ने नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए, सबको पता है कि कितने कितने में लोग खरीदे और कहां कहां से आए और कैसे सरकार को सुनिश्चित किया गया। इस देश ने हर्षद मेहता के सूटकेस को भी देखा है, जबको पूरा पता होगा। मैं कह रहा हूं उस बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बार बार ये देखें कि जो उसकी बात आपने कहा कि उड़ीसा की बात, उड़ीसा के एक MP पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रास्ता कर चुके हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इस बात को जानते हुए कि वहां जब अभी लोकल पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का जहां कुछ था ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर इन राज्यों को, नॉन हिंदी राज्यों में जाते ही नहीं थे, वहां प्रचंड बहुमत मिला। उस सब के बावजूद भी नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। मेरा कहना यह है कि नवीन पटनायक इनके इस गठबंधन में क्यों नहीं नजर आते हैं? इसके अलावा आप देखें कि पंजाब से कोई भी नजर क्यों नहीं आता है? तो मैं ही कह रहा हूं कि आप इस बात को ये समझने के लिए तैयार नहीं है। आप तर्क कर दीजिए, आप उनकी गलतियां निकाल दीजिए, आप उन पे कह दीजिए कि व्यापम हो गया, फलाना हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने से नीतीश कुमार निकल के आए हैं सत्ता से। अगर यही दबाव आप बनाइए ना, आप क्यों नहीं, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में ये दबाव बना पा रहे कि लगातार आप उनको चलने ना दें, आप उनके उसको उजागर करें, आप जाए, लेकिन आप लोकसभा की कार्रवाई के दरमियान पे कुछ पाप पर कागज फेंकेंगे, कुछ बात कहेंगे, टेलीविजन पे बाइट दे देंगे, उससे समझता है कि आपको लड़ जाएंगे। एक तो ये है, दूसरी बात आप ये देखें कि इस वक्त जो है कई कई फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रचंड बहुमत में इसलिए नहीं आई है कि सब कुछ इन्होंने अच्छा कर दिया था, और लोग वो जो अवधेश जी बार बार कहते हैं कि आप देखें कि एक के बाद एक, अभी 3 साल हो गए लेकिन अभी टेप निकल के आया है कि किस तरीके से सिम्मी का एक आदमी नागौरी जो है, जिसने कन्फेस किया है अपने टेप के अंदर और तमाम बातें कोर्ट में मौजूद हैं कि समझौता ब्लास्ट में कौन लोग शामिल थे, यह कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाल दिए कि दो पाकिस्तान के मुसलमान लोग यहां आए, उनका वीजा नहीं था, उनके पास रुकने का परमिट नहीं था, कैसे उनसे एक पूछताछ के बाद उनको पाकिस्तान भेज दिया गया, और किस तरीके से आपने असीमानंद नाम का एक करेक्टर गढ़ा, साध्वी प्रज्ञा को 7 साल आपने रखा, चार्जशीट नहीं की, आपने हिंदू आतंकवाद की बात की, आप देश को चढ़ा करके, गाली दे करके, मेजोरिटी को गाली दे करके एक लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं। आपके दौर की बात करते हैं, आप मुजफ्फरनगर को याद करते हैं, आप 2002 को याद करते हैं, करिए, लेकिन इस देश की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, 3,500 दंगे, आप भागलपुर से लेना शुरू करें और मेरठ, बलियाना, मुरादाबाद तक होते हुए ये दंगे आपके दौर में हुए, लेकिन आप क्या कहते हैं, हम जब सत्ता में थे तब आरएसएस वाले दंगे करते थे, जब सत्ता से चले जाते हैं तो बीजेपी वाले दंगा करते हैं। तो आपने इस देश को 1947 में बांटा और 1984 में इस देश की सबसे मजबूत कौम को, इस देश की सबसे ताकतवर कौम को आपने उसका कत्लेआम किया।
तब भी देश तोड़ने के कहां पे पहुंच जाता है? ऐसी कोई घटना भी पर इस तरह की बात हो कि कोई देश को तोड़ा और काटा, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है? आप तो देश तोड़ चुके हैं, आप देश के तोड़ने वालों के साथ भागीदार बात करना। चले वहाँ पर आपके राहुल जी जाते हैं। चले चले चले, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, राम सागर जी आपका, उपेंद्र जी आपका, अवधेश जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका। जैसे जो आज का विषय था, क्या है विपक्ष की राजनीति का भविष्य, तो जिस तरह से आज की डिबेट उलझी रही, शोर शराबा होता रहा, इसी तरह से भविष्य की राजनीति जो विपक्ष की है वो भी उलझी हुई, वो भी शोर शराबे से भरी हुई है। इसका कोई फिलहाल हल दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष की राजनीति का भविष्य भी फिलहाल अंधकार में ही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।